आज हम बात करेंगे स्पेक्ट्रोमीटर के बारे में। ये हमारी जो प्रैक्टिकल सीरीज चल रही है एमडी यूनिवर्सिटी, उसमें आज हम सेकंड प्रैक्टिकल के बारे में बात कर रहे हैं कि कैसे कैसे आज हम ये देखेंगे कि कैसे कैसे हम स्पेक्ट्रोमीटर को यूज करें, कैसे कैसे इससे हम रीडिंग ले सकते हैं, इसके जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं वो क्या हैं और उन डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स का क्या क्या फंक्शन है, वो सारी चीज़ें हम डिटेल में करेंगे। ये जो स्पेक्ट्रोमीटर होता है ये हमारे डार्क रूम के जो भी प्रैक्टिकल्स होते हैं ऑप्टिक्स के, उनमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। इसकी हेल्प से हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं प्रिज्म का, इसकी हेल्प से हम रिजॉल्विंग पावर निकाल सकते हैं प्रिज्म की, इसकी हेल्प से हम एंगल निकाल सकते हैं प्रिज्म का, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं हम कैलकुलेट कर सकते हैं इसकी हेल्प से, डिस्पर्सिव पावर निकाल सकते हैं हम इसकी हेल्प से, क्वार्ट्ज का जो एक्सपेरिमेंट होता है ई रे और ओ रे वो वाला भी हम इसकी हेल्प से निकाल सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले स्पेक्ट्रोमीटर के बारे में। तो आपको दिखाई दे रहे होंगे कि यहाँ पर स्पेक्ट्रोमीटर के तीन पार्ट हैं, एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये है। सो सबसे पहले वाला जो ये वाला पार्ट है इसको बोलते हैं हम कोलीमीटर। क्या बोलते हैं इसको हम? कोलीमीटर। जो सेकंड वाला पार्ट है ये वाला, इसको बोलते हैं हम प्रिज्म टेबल, और जो ये थर्ड वाला पार्ट है इसको बोलते हैं हम टेलीस्कोप। क्लियर है? एज द नेम सजेस्ट कोलीमीटर जो वाला पार्ट है, सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं। तो मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ, कोलीमीटर में बेसिकली एक आगे शटर लगा हुआ होता है, ये यहाँ पर शटर लगा हुआ है, इसकी हेल्प से मैं इसको कम ज़्यादा कर सकता हूँ। जैसे अभी आप देख रहे हैं ये अभी कम्प्लीटली क्लोज्ड है, और यहाँ पर मैं लाइट का सोर्स इधर की साइड में लाइट का सोर्स रखता हूँ, तो मैं इसको इस तरह से ओपन भी कर सकता हूँ। ये ओपन हो रहा है अभी। तो ये जो शटर होता है इसका काम होता है लाइट को कम या ज़्यादा डालना, ठीक है? तो अगर मुझे लाइट ज़्यादा चाहिए तो मैं इस यहाँ से ज़्यादा ओपन कर दूंगा, इसको लाइट कम चाहिए तो मैं इसको कम ओपन कर दूंगा। और कोलीमीटर का फंक्शन ये होता है कि इसको ये मुझे क्या देगा, ये पूरी तरह से कोलीमेटेड बीम मेरे को यहाँ पर देगा, यहाँ पर मेरे को ये बीम मिलेगी वो कोलीमेटेड बीम मिलेगी, ठीक है? तो ये कोलीमीटर में क्या है, मेन फंक्शन किसका होता है? शटर का होता है, कि अगर आपको ज़्यादा इंटेंसिटी की लाइट चाहिए तो आप इसको ज़्यादा ओपन रखें, कम चाहिए तो कम। बेसिकली अगर हम प्रैक्टिकल्स में बात करते हैं तो हम इसको कम ही ओपन करते हैं, सो दैट कि हमें नैरो स्लिट मिले, क्योंकि हमारा प्रैक्टिकल का जो मेन काम होता है वो होता है कि हम नैरो स्लिट लें, ठीक है? अब नेक्स्ट पार्ट इस वाले की बात करते हैं। इसमें हम प्रिज्म टेबल, जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, इसमें हम प्रिज्म को रखते हैं, जो भी हमारे को काम करना होता है। जैसे यहाँ पर अगर मैं प्रिज्म की बात कर रहा हूँ तो इसको प्रिज्म टेबल बोल रहे हैं, तो प्रिज्म को रख दिया है। कई बार हम इसमें ग्रेटिंग की बात करेंगे तो यहाँ पर ग्रेटिंग रख देंगे, क्वार्ज की बात करेंगे तो यहाँ पर हम क्वार्ज भी रख देंगे। तो अभी आज जैसे प्रिज्म टेबल की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर प्रिज्म ही रखा हुआ है। तो इसका फंक्शन यही होता है कि हम इसमें प्रिज्म को या क्वार्ज को या फिर जो हम यूज कर रहे हैं मटेरियल ग्रेटिंग वगैरह उसको रख देते हैं। अब तीसरा वाला पार्ट होता है हमारा ये वाला, इसको बोलते हैं हम टेलीस्कोप। ये टेलीस्कोप होता है, इसकी हेल्प से हम जो बीम कोलीमेटेड आ रही है उसको फोकस कर सकते हैं। जैसे कि आप इसको देख पा रहे होंगे यहाँ से बढ़ता जा रहा है, इससे फोकस हम कर सकते हैं कम या ज़्यादा। अगर यहाँ पर मेरा फोकस हो पा रहा है तो मैं यहाँ से काम कर देता हूँ, अगर यहाँ पर हो पा रहा है तो यहाँ से। तो ये तीसरा पार्ट मेरा है टेलीस्कोप का, कि इसको मैं सिर्फ फोकस करने के लिए यूज़ करता हूँ। और इधर किस तरफ ये आईपीस है जिसकी हेल्प से हम काम करते हैं, जिसकी हेल्प से हम देखते हैं जो भी हमारे पास बीमारी होती है। अब नेक्स्ट इसमें आता है कि हमने अभी यूज़ तो करना सीख लिया कि कैसे कैसे इसके क्या क्या पार्ट हैं, अब हम इसमें डिटेल में स्टडी करेंगे कि इसकी रीडिंग कैसे लें। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे यहाँ पर दो स्केल हैं, वर्नियर स्केल वन, वर्नियर स्केल टू। ये पहला वाला है, इसको हम बोलेंगे वर्नियर वन। अगर मैंने इसको पूरे को वर्नियर वन बोला पहले में तो इसको वर्नियर वन ही बोलूंगा, और ये दूसरा वाला वर्नियर है मेरा, इसको हम बोलेंगे वर्नियर टू। थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट ये वर्नियर टू ही रहेगा। क्लियर है? तो अब इस वर्नियर वन की और वर्नियर टू की रीडिंग कैसे लेते हैं, आज हम इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले चलो देखते हैं, सबसे पहले वर्नियर वन की रीडिंग ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये यहीं पर सेट है और इस तरह से मुझको इसकी रीडिंग लेनी है, तो कैसे लेंगे एक बार देखेंगे इसको और थोड़ा सा डिटेल में। सबसे पहले हम जब रीडिंग लेंगे इसकी, तो आपको ये जो स्केल दिखाई दे रहा है, ये जो स्केल दिखाई दे रहा है इसको देखेंगे एक बार ध्यान से, ठीक है? ये स्केल कुछ इस तरह से है, यहाँ पर मैं एक बार ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको। ये स्केल कुछ इस तरह से है कि यहाँ पर 0 टू 30 है, जिसको हम बोलते हैं वर्नियर स्केल, और यहाँ पर एक और स्केल है जिसको मेन स्केल बोलते हैं। ये जो मेन स्केल है ये पूरा इस तरह से है, 360 है, 0 टू 360 है ये पूरा का पूरा, ये जो सर्कुलर स्केल है जिसको हम मेन स्केल बोल रहे हैं। और ये जो वर्नियर है इसमें 0 टू 30 डिवीजन है इस तरह से, ये इस तरह से इसमें 0 टू 30 डिवीजन है। और यहाँ पर भी जो स्केल है मेरे पास वो कुछ इस तरह से है, ये। अब सबसे पहले यहां पर आप देख पा रहे होंगे इस स्केल में कि आपको यहां पर 0 दिखाई दे रहा है और यहां पर 30 दिखाई दे रहा है। और इससे पहले जो ये स्केल है, नीचे वाला जो स्केल है, इसमें और थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे आप
तो ये मेरे को पहले 160 दिखाई दे रहा है। एक बार और इसको थोड़ा सा डिटेल में दिखाएंगे कि यहाँ पर ये मेरे को 160 दिखाई दे रहा है और यहाँ पर ये 170 दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो अब हमारा मेन काम है कि इस जीरो से पहले मुझको क्या दिखाई दे रहा है उसको मैं ध्यान में रखूँगा। चलो एक बार देखते हैं। तो यहाँ पर मेरे को ऐसे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर 160 है और यहाँ पर 170 है, ये रीडिंग दिखाई दे रही है मेरे को। अब जब ये रीडिंग दिखाई दे रही है तो इसमें हम रीडिंग कैसे नोट करेंगे, ये V1 की है, इसको मैंने V1 लिया था, तो पहले V1 की रीडिंग नोट करते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जीरो से इधर की तरफ मेरे को क्या दिख रहा है, इधर तो 30 है, तो जीरो से पहले मेरे को क्या रीडिंग दिखाई दे रही है मेन स्केल में, इसको बोलते हैं मेन स्केल और इसको बोलते हैं वर्नियर स्केल। तो मेन स्केल में मेरे को वर्नियर स्केल के जीरो से पहले क्या रीडिंग दिखाई दे रही है, आपको पता चल रहा है यहाँ पर 160 है, तो मैं लिखूंगा इसको 160 प्लस। अब मैं ये देखूंगा कि यहाँ 160 से 170 के बीच में, आप यहाँ पर देख भी पा रहे होंगे कि 160 से 170 के बीच में जो टोटल नंबर ऑफ डिवीजन है वो होने चाहिए थे 10, लेकिन मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। यानी कि आपको वैसे पता होता है कि 162, 170 के बीच में टोटल नंबर ऑफ डिवीजन होने चाहिए थे 10, लेकिन यहाँ पर मेरे को 10 ना देकर के कितने डिवीजन दिए हुए हैं, इस तरह से 20 डिवीजन दिए हुए हैं। तो हम ये बात करेंगे कि यहाँ पर जो एक डिवीजन है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2। अब एक डिवीजन की वैल्यू कितनी हो गई, 1/2। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट ये है कि अब हम ये देखेंगे कि 160 के बाद से और इस जीरो तक कितने डिवीजन यहाँ तक आ रहे हैं, ये वाले जो नंबर ऑफ डिवीजन्स हैं। चलो एक बार इसमें देखते हैं कितने आ रहे हैं। तो मैं, अगर आप इसको और ध्यान से देखेंगे तो मैं यहाँ पर ये देख पा रहा हूँ कि ये 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ये मेरे को 15 डिवीजन दिखाई दे रहे हैं। तो 1/2 × 15, ये 1/2 इसलिए आया क्योंकि ये जो डिवीजन की वैल्यू है ना, 15 डिवीजन की वैल्यू 7.5 सेंटीमीटर ही रहेगी, ठीक है। तो इस वजह से हम क्या कह रहे हैं इसको कि ये जो डिवीजन है ये 1/2 मल्टीप्लाई इसमें आ जाएगा, क्लियर है। प्लस अब हम बात करेंगे इसका जो थर्ड वाला पार्ट है कि इसमें थर्ड वाले पार्ट में कैसे रीडिंग लें। अब हम ये देखेंगे कि जो ये ऊपर वाला स्केल है और ये जो नीचे वाला स्केल है, ऊपर वाला वर्नियर स्केल है और नीचे वाला मेरा कौन सा स्केल है, सर्कुलर स्केल है, या फिर इसको मैं मेन स्केल बोल रहा हूँ। तो मेन स्केल और वर्नियर स्केल में कौन सा डिवीजन बेस्ट कौन सा ऐड कर रहा है, और ये हम काउंट करेंगे ऊपर वाले वर्नियर स्केल में। तो हम बिल्कुल जब बहुत ज़्यादा ध्यान से इसमें देखेंगे तो मुझे यहाँ पर ये पता चल पा रहा है 5, 10, 15, 20, ये जो 20th डिवीजन है वर्नियर स्केल में काउंट कर रहा हूँ मैं, यहाँ से जो ऊपर से 0 से 30 वाला है, तो ये 20th डिवीजन है ऊपर और नीचे वाले में बहुत अच्छे से मैच कर रहा है। तो मैं इस यहाँ पर लिख दूंगा 20, ठीक है। इनटू लिस्ट काउंट ऑफ दिस। अब हम इसका लिस्ट काउंट कैसे निकालेंगे, हमें लिस्ट काउंट निकालने का तरीका पता होता है। हम सबसे पहले ये बात करते हैं लिस्ट काउंट निकालने के लिए कि मेन स्केल के एक डिवीजन की वैल्यू क्या है अपॉन में टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन दी वर्नियर स्केल। अभी हमने बात की कि मेन स्केल के एक डिवीजन की वैल्यू कितनी है, 1/2। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा V1 = 160 + 1/2 × 15 + 20 × मेन स्केल के एक डिवीजन की वैल्यू कितनी है, 1/2 अपॉन में टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन दी वर्नियर स्केल। आप देख भी पा रहे होंगे यहाँ पर कि टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन दी वर्नियर स्केल कितने हैं, 30 हैं। तो मैं अपॉन में कितना लिख देता हूँ, 30। सो 160 + 1/2 × 15 + 20 × 1/2 / 30। सो ये रीडिंग क्या आ जाएगी, 160 + 1/2 × 15 + 20 × 1/60। तो यहाँ पर जो मेरा लीस्ट काउंट है, लीस्ट काउंट कितना आ गया मेरा इसका, 1/60, ठीक है। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा, 160 + 7.5 + 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2/3 हो गया, तो ये आ गया 1/3। 160 + 7.5 + इसको हम डिवाइड करेंगे तो 0.3 कुछ इस तरह से आ जाएगा, और ये हमारी किसकी रीडिंग आ जाएगी, V1 की, क्लियर है। इसी तरह से सेम टाइम पर ही जैसे मैंने V1 की रीडिंग ली है, वो रीडिंग मुझे V2 की भी लेनी है। अब एक बार हम V2 की रीडिंग लेकर के देखते हैं कि V2 की रीडिंग कैसे ली जाएगी। ये एक बार देखिए, ये मेरे पास ये V1 था, अब ये वाला V2 है। अब मैं इस V2 की रीडिंग लेकर के दिखाता हूँ। सबसे पहले वही काम करेंगे जो अब तक हम करते चले हैं। अब हम ये देखेंगे कि ये जो ऊपर वाला स्केल है, जो वर्नियर स्केल है, इसमें जीरो से पहले नीचे वाले स्केल में क्या दिखाई दे रहा है। ये रहा 340 दिखाई दे रहा है, तो मैं क्या लिखूंगा सबसे पहले, 340। तो चलो लिखते हैं 340 प्लस। फिर से नेक्स्ट वाला वही काम करेंगे कि यहाँ ये जो 340 दिखाई दे रहा था, अभी ये 160 है, तो ये यहाँ मुझे कुछ इस तरह से स्केल है, ये इधर 0 है, ये इधर 30 है,
और यहाँ मेरे को ये क्या दिखाई दे रहा है 340 और यहाँ पर 350। ये इस तरह से मेरे को दिखाई दे रहा है, मैं आपको फिर से भी दिखा सकता हूँ कि यहाँ पर ये मेरे को 340 जीरो से पहले 340 दिखाई दे रहा है और जीरो के बाद में 350 दिखाई दे रहा है, तो बिल्कुल ऐसे ही मैंने लिख लिया है। तो यहाँ इनके बीच में टोटल नंबर ऑफ डिवीजन 20 रहेंगे और यहाँ टोटल के टोटल ये वाले 30 हैं, ठीक है। सो अब सबसे पहले रीडिंग कैसे लेंगे कि इस जीरो से पहले क्या दिखाई दे रहा है, जीरो से पहले 340 था तो 340 प्लस अब इस जीरो तक, इस जीरो तक जो मेन स्केल है उसमें कितने नंबर ऑफ डिवीजन्स हैं, कितने नंबर ऑफ डिवीजन्स हैं, अब वो देखते हैं एक बार फिर से। यहाँ पर काउंट करते हैं तो देखते हैं 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15 अगेन मुझे 15 मिले हैं। तो मैं यहाँ पर ये जो नंबर ऑफ डिवीजन्स हैं, ये वाले जो नंबर ऑफ डिवीजन्स हैं 340 से 0 के बीच में ये वाले जो डिवीजन्स हैं वो कितने आए इस बार मेरे को 15। पहले भी आप देख पा रहे होंगे 15 ही थे, इस बार भी 15 ही है। इनटू 1/2, ये 1/2 क्यों आया, क्योंकि अभी हमने बात की थी कि मेन स्केल के एक डिवीजन की वैल्यू 1 होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर 1/2 है, सो इसलिए मैंने 1/2 की मल्टीप्लाई कर दी। क्योंकि 0 to 10 हमें पता होता है, यहाँ पर लिखता हूँ मैं 0 to 10 हमारे पास नंबर ऑफ डिवीजन कितने होने चाहिए 10 इन बिटवीन, लेकिन यहाँ पर 20 है, तो 2 डिवीजन चलेंगे तभी तो 1 बनेगा, 4 डिवीजन चलेंगे तो 2 बनेगा, इसलिए यहाँ पर 1/2 की मैंने मल्टीप्लाई की हुई है प्लस। अब हम देखेंगे कि कौन सा पार्ट बेस्ट कौन सा ऐड कर रहा है, चलो इस बार देखते हैं बेस्ट कौन सा ऐड कौन सा कर रहा है। अगेन मैं देख पा रहा हूँ इसमें 20 ही है, 5, 10, 15, 20 20th जो पार्ट है, 20वां जो पार्ट है ऊपर वाले स्केल में काउंट कर रहा हूँ मैं इस बार, तो ये जो 20th पार्ट है वो बेस्ट कौन सा ऐड कर रहा है, तो मैं क्या लिखूंगा 20 इनटू लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट अभी हमने निकाला कितना आ रहा है हमारा 1/60 आ रहा है, तो इस बार रीडिंग हमारी क्या आ जाएगी 340 प्लस 15 इंटू 1/2 प्लस 20 इंटू 1/60। सो V2 की रीडिंग अब क्या आ रही है 340 प्लस 7.5 प्लस 0 से 0 1/3। सो ये V2 इज इक्वल टू 340 प्लस 7.5 प्लस, इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो 0.33 करके कुछ आ जाएगा, और इस तरह से हम इसको लिख देंगे, 2 डिजिट तक हम ले लेंगे इसको। तो इस तरह से हम जो V2 की वैल्यू निकाल रहे थे वो आ गई है, ये V1 की वैल्यू आ गई है। अब इसी तरह से जब भी हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो इस तरह से V1 की और V2 की वैल्यू हम निकाल लेंगे। V1 और V2 की वैल्यू निकालने का यही तरीका रहेगा हर बार, लीस्ट काउंट हर बार 160 ही रहेगा। अब जैसे मान लिया कि मुझे क्या करना है, प्रिज्म का प्रैक्टिकल करना है, तो सबसे पहले जब मैं प्रिज्म का प्रैक्टिकल करूंगा तो उसमें सबसे पहले मैं ये ध्यान में रखूंगा कि मेरे को किस तरह से प्रिज्म को रखना है, कैसे कैसे क्या करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एंगल ऑफ प्रिज्म कैसे निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम एंगल ऑफ प्रिज्म की बात कर रहे हैं, तो ये जो मैंने अभी आपको बताया था कि ये शटर है, इस शटर से सबसे पहले मेरे पास यहाँ से जो लाइट आ रही होगी उस लाइट को मैं इस तरह से एडजस्ट करूंगा कि वो कॉलीमेटेड बीम मिले मेरे को, और कॉलीमेटेड बीम इस तरह से मिले कि उसकी इंटेंसिटी तो मैक्सिमम हो बट वो स्लिट बहुत ज़्यादा नैरो हो। दो चीज़ें ध्यान देंगे यहाँ पर, मैं यहाँ पर आपको लिख भी देता हूँ कि मैक्सिमम इंटेंसिटी मैक्सिमम होनी चाहिए आपकी, और जो स्लिट है, जो स्लिट बन रही है वो कैसी होनी चाहिए, नैरो बननी चाहिए। वो मैं अभी आपको जाकर दिखा भी दूंगा कि किस तरह से ये बन रही है। तो ये दोनों चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। जब ये बन जाएगी मुझे तो इसके बाद में इसकी हेल्प से, ये जो मेरे पास टेलीस्कोप है उसकी हेल्प से मैं इसको फोकस कर लूँगा, और जब मैं ये फोकस कर लूँगा तो मुझे वो पूरी तरह से एक इस तरह से लाइन सी दिखाई देगी। जब वो मेरे को जो लाइन दिखाई दे रही होगी उस लाइन को मैं क्या करूँगा, बिल्कुल क्रॉस वायर पे इसमें सेट कर लूँगा। अब क्रॉस वायर पे इसमें सेट करने के बाद में मैं क्या करूँगा कि ये जो मेरे को प्रिज्म दिखाई दे रहा है इसकी 3 सरफेसेज हैं, 1, 2 और 3। आप देख पा रहे होंगे ये वाली ट्रांसपेरेंट सरफेस है, ये वाली ट्रांसपेरेंट सरफेस है, बट ये वाली जो सरफेस है रफ है, इससे हमें बहुत ज़्यादा काम है। इस रफ सरफेस को जब आप एंगल ऑफ प्रिज्म निकाल रहे हैं तो इस रफ सरफेस को आप प्रिज्म टेबल पर इन बिटवीन रख देंगे, इस तरह से बीच में इस तरह से रख दिया कि कोलीमीटर की जो साइड है, ये वाली कोलीमीटर की साइड है, इस साइड आपका ये वाला पार्ट रहे और जो रफ सरफेस है वो आपकी किस साइड रहनी चाहिए, टेलीस्कोप की साइड रहनी चाहिए। सो टेलीस्कोप की साइड आपने रफ सरफेस रख दिया। अब आप इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस देख पा रहे होंगे, देखो ये प्रिज्म है तो इसकी दो रिफ्लेक्टिंग सरफेसेज हैं, एक तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाली जो सरफेस है इधर वाली, ये रिफ्लेक्टिंग है, और इधर ये वाली जो सरफेस है ये इधर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो मेरे को जो स्लिट दिखाई देगी वो कहाँ दिखाई देगी, एक बार यहाँ दिखाई देगी, एक बार यहाँ दिखाई देगी। तो अब मुझे जैसे एंगल ऑफ प्रिज्म निकालना है तो मैं क्या करूँगा, इसको सबसे पहले क्या करूँगा, मान लिया कि ये साइड ए है, तो साइड ए में मैंने यहाँ पर, क्योंकि ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस है तो मेरे को स्लिट यहाँ पर दिखाई देगी,
तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसको स्लिट को देख लूँगा। जब मेरे को स्लिट दिखाई देगी और जब मेरे को ये क्रॉस वायर पर सेट कर लूँगा उस स्लिट को, तो अब मैं क्या करूँगा, इस V1 की रीडिंग लूँगा और इस V2 की रीडिंग लूँगा, ठीक है। इस V1 की रीडिंग ले लूँगा और इस V2 की रीडिंग ले लूँगा। अगेन ये जो V1 और V2 की रीडिंग है, इनको टेबल में रख दूँगा, मैं अभी आपको करके भी दिखाऊँगा। और फिर आप क्या करेंगे, इस तरह से आप इसको साइड बी में लेंगे। अभी हमने साइड ए में लिया था, अब साइड बी में हम इसकी रीडिंग लेंगे। तो ये हमारा वर्नियर V1, हमने इसको लिया था, तो V1 की रीडिंग लेंगे फिर अगेन, और फिर अगेन हम V2 की रीडिंग लेंगे, ठीक है। तो ये V1 और V2 की अगेन हम साइड बी में ये दोनों की दोनों वैल्यूज, जो हमने क्या किया था, अभी हम बात कर रहे थे जैसे कि हमने साइड ए में जो V1 की वैल्यू आई है वो ले ली, साइड बी में जो V2 की वैल्यू आई है वो ले ली। इसी तरह से हम साइड बी में V1 की जो वैल्यू आ रही है वो ले लेंगे और V2 की जो वैल्यू आ रही है वो ले लेंगे, और इन वैल्यूज को लेकर के हम क्या करेंगे, टेबल में रख देंगे, और टेबल में रखने के बाद में हम इनसे एंगल ऑफ प्रिज्म कैलकुलेट कर सकते हैं।